Friends, today, hi friends, good morning. Today, I will teach you new topic, save a document. Dear student, अब हम new topic पे जा रहे हैं कि document को save कैसे करेंगे. Okay, let's start. Click on save icon. Dear student, देखो ये किसका icon है? Save का. On the quick access toolbar. Dear student, मैंने आगे सिखाया था quick access toolbar कहाँ पे होता है. टाइटल बार में क्या होता है? क्विक एक्सेस टूलबार. क्लिक ऑन सेव ऑन क्विक एक्सेस टूलबार, यू विल सी अ सेव एज डायलॉग बॉक्स. और क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू वर्ड पैड बटन, यू विल सी अ ड्रॉप डाउन मेनू. डियर स्टूडेंट, क्विक एक्सेस टूलबार पे हम क्लिक नहीं करते हैं, यानी कि वर्ड पैड पे जो बटन है वहां पे हम क्लिक करेंगे तो पूरा एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा. उसमें भी देखो सेव आइकॉन दिखता है, तो वहां पे हम क्लिक करेंगे. क्लिक ऑन सेव, यू विल सी अ सेव एज डायलॉग बॉक्स. पूरा एक सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. देखो डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी ओपन हो गई है डियर स्टूडेंट. वहां पे जैसे हम फाइल नेम में ऑटोमेटिकली जब तक हम नाम सेव नहीं करते हैं तब तक डॉक्यूमेंट ही रहता है. जब हम अपना नाम डाल के सेव करेंगे तब वो डॉक्यूमेंट की जगह पे हमारा नाम आ जाएगा. देखो डियर स्टूडेंट, सपोज हमने एक फोल्डर नहीं बनाया है हमारे नेम का तो वहाँ पे सेव नहीं होगा. डिफॉल्ट फोल्डर कहाँ पे जाएगा? डॉक्यूमेंट में. डॉक्यूमेंट में हमारी ड्राइव पे जाएगा, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जैसे कि जो भी ड्राइव में आपको सेव करना है वो हम कर सकते हैं. वहाँ देखो ये सारे फोल्डर बने हुए हैं ना, ऐसे भी हम पहले सेव करते पहले क्या करेंगे, हमारा नेम का एक फोल्डर बना देंगे, फिर उस पर क्लिक करेंगे, फिर फाइल नेम सेव एज टाइप वो तो डिफॉल्ट रहेगा. ये स्टूडेंट फाइल नेम सिर्फ लिखना है और सेव बटन पे क्या करना है? ओके करना है. द डॉक्यूमेंट that you have created will be saved in document folder. This folder is default selection. In file name text box, you can see the word document highlight with a cursor blinking at the end of word. In the dialog box, text box place where you can type after text, you will always see the cursor blinking in a blank text box. Type in the name which you want to save the document. ये स्टूडेंट यहाँ पे देखो एक बर्डी नेम से सेव किया है. बर्डी मीन्स के जो हमारा बर्ड होता है उसका यंग वंस मीन्स के उसका छोटे बच्चा, उसको बर्डी बोलते हैं. या तो हम हमारे नेम से भी सेव कर सकते हैं, यहाँ तो सिर्फ एग्जांपल में दिया है बर्डी. ओके नेक्स्ट पेज देखो, यहाँ पे बर्डी लिख लिया, फिर हम सेव पे क्लिक करेंगे तो क्लिक ऑन सेव बटन, द सेव एज डायलॉग बॉक्स डिसअपियर. सेव जैसे करोगे तो डायलॉग बॉक्स डिसअपियर हो जाएगा. लुक एट द टाइटल बार, इट नाउ सो द नेम ऑफ बर्डी वर्ड पेड विच यू हैव सेव्ड द डॉक्यूमेंट. देखो डियर स्टूडेंट, डॉक्यूमेंट की जगह पे क्या आ गया? बर्डी. क्या आ गया? बर्डी, न्यू नेम आ गया. हो गया बर्डी, डॉक्यूमेंट की जगह पे क्या हो गया? बर्डी. When you are saving a document for the first time, when you click on the save, you will always see as the save as dialog box. Dear student, हमने एक बार सेव कर लिया है, फिर हम क्या करेंगे? सेव एज ओनली फॉर क्या करेंगे? सेव एज. वो ने वो डॉक्यूमेंट में कुछ अंदर रह गया है, वन लाइन लिखने की रह गई है, तो हम क्या करेंगे? फिर से वो ने वो फाइल को सेव करना है तो सेव एज. क्लिक ऑन क्लोज द डॉक्यूमेंट. अब हम हमारा डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे? क्लोज कर डालेंगे. डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करना है वो पता चल गया. अब ओपन अ डॉक्यूमेंट, वो सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट ओपन कैसे करेंगे? स्टार्ट अ वर्ड पैड, क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द वर्ड पैड बटन, यू विल सी अ ड्रॉप डाउन मेनू.
देखो हम क्या करेंगे, वर्डपीट स्टार्ट करेंगे। वर्डपीट बटन पे क्लिक करेंगे, देखो ये आइकॉन ओपन का है डियर स्टूडेंट, वहां पे हम क्लिक करेंगे। इन रिसेंट डॉक्यूमेंट यू कैन सी द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ बर्डी, क्लिक ऑन द नेम और ओपन टू ओपन द डॉक्यूमेंट। रिसेंट डॉक्यूमेंट में देखो क्या लिखा है, बर्डी लिखा है, उस पर हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो वो हमारी जो फाइल है लिखी हुई वो ओपन, हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगा। क्लिक ऑन ओपन, यू विल सी द ओपन डायलॉग बॉक्स, इट लुक लाइक द सेव एज डायलॉग बॉक्स। देखो डियर स्टूडेंट, हमारा डॉक्यूमेंट बर्डी सेव हो गया ना सेव। अब क्या करना है, उस पर क्लिक करेंगे तो ओपन, क्लिक हियर ओपन जैसे करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। यू कैन सी द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट बर्डी इन द लिस्ट, क्लिक ऑन द नेम ऑफ ओपन डॉक्यूमेंट। इन फाइल नेम टाइप इन द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट बर्डी, क्लिक ऑन द ओपन बटन टू ओपन अ डॉक्यूमेंट। डायरेक्टली भी हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में से, और बल्कि वहाँ पे रिसेंट होता है, रिसेंट फोल्डर में जाके भी हम हमारा डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। क्लिक ऑन क्लोज टू डॉक्यूमेंट, फिर हम हमारा डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देंगे। अब हम जा रहे हैं न्यू टॉपिक पे डियर स्टूडेंट, फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट। टू फॉर्मेट डॉक्यूमेंट मीन्स टू चेंज हाउ द टेक्स अरेंज अलाइन, टू चेंज हाउ द टेक्स लुक, टू फॉर्मेट टेक्स्ट यू वी विल लर्न सम सिंपल टूल्स गिवन ऑन द रिबन। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में क्या होता है डियर स्टूडेंट, हमारा डॉक्यूमेंट हमें अलाइन लेफ्ट रखनी है, सेंटर में रखनी है, या तो अलाइन लेफ्ट साइड रखनी है, राइट साइड रखनी है, या जस्टिफाई करनी है, वो सब हम क्या करेंगे, हमारा डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करके चेंज कर सकते हैं। देखो डियर स्टूडेंट, चेंज द हाउ द टेक्स्ट अलाइन, वी विल लर्न अबाउट थ्री टूल्स इन अलाइन टेक्स्ट। स्टार्ट वर्ड पेड एंड ओपन द डॉक्यूमेंट ऑफ बर्डी, क्लिक हियर। देखो पहले हमें सिलेक्ट क्या करना है, ऑल कर लेना है, क्योंकि सारी लाइनें हमें लेफ्ट साइड ले जानी है, या तो राइट साइड ले जानी है, या तो मिडल में रखनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो सिलेक्ट ऑल, ये वाला ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करते तो हम क्या करेंगे, माउस को ड्रैग करके छोड़ देंगे तो पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। द होम टैब इज ऑलरेडी सिलेक्टेड इन द एडिटिंग ग्रुप, क्लिक ऑन सिलेक्ट ऑल, द एंटायर टेक्स्ट विल बी सिलेक्टेड। जैसे आप सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो पूरी टेक्स्ट है जो हमारी क्या होगी, सिलेक्ट हो जाएगी। वेन यू सिलेक्ट टेक्स्ट इट विल ऑलवेज अपियर हाईलाइटेड, टू रिमूव द सिलेक्शन हाईलाइट क्लिक एनी वेयर ऑन द विंडो, द टेक्स्ट विल नाउ अपियर विदाउट हाईलाइट। देखो डियर स्टूडेंट, ये अलाइन मैंने टेक्स्ट, ये जो मेरे टेक्स्ट है मैंने सिलेक्ट कर दी और अलाइन लेफ्ट कर लिया, तो सारी जो लिखा हुआ डॉक्यूमेंट क्या हो गया, लेफ्ट साइड चला गया। जैसे मैं अलाइन सेंटर करूंगी, देखो मिडल में आ गया, बीच में आ गया डियर स्टूडेंट, और जैसे मैं राइट साइड करूंगी सिलेक्ट करके, सब सिलेक्ट करके ही करना है। देखो पूरा डॉक्यूमेंट है हमारा लिखा हुआ, वो कहाँ चला गया, राइट साइड, पता चला डियर स्टूडेंट। लेफ्ट साइड करूंगी तो लेफ्ट हो जाएगी लाइन सारी, मिडल में करूंगी मींस के सेंटर करूंगी तो सेंटर हो गया, और राइट साइड करूंगी तो ये सारा लाइन क्या हो गया, राइट साइड। अगेन क्लिक ऑन अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट टू मूव द टेक्स्ट वेयर इट वाज द लेफ्ट द डॉक्यूमेंट, क्लिक एनीवेयर ऑन द वर्ड पेड विंडो टू रिमूव हाईलाइटेड। मींस के फिर से हमें राइट साइड सेव नहीं करना है, लेफ्ट साइड ही लिखना है, तो हम क्या करेंगे, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, तो हमारी पहले जो थी
ऐसे ने ऐसी डॉक्यूमेंट की लाइन हो जाएगी। ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार क्लिक ऑन द सेव चेंज मेड इन अ डॉक्यूमेंट। फिर हम हमारे डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, या तो सेव चेंज सेव जो किया है उसको वन टाइम फिर से सेव करना है तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, सेव एज, क्लिक ऑन द क्लोज द डॉक्यूमेंट। अब हम क्या करेंगे डॉक्यूमेंट को क्लोज कर डालेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, हम